पूर्व मंत्री राम निवास रावत के नेतृत्व में कुनो वनमंडल का किया घेराव। विगत दिनों वीरपुर तहसील के सिरोनी में वन कर्मियों द्वारा पशुपालक किसान की झोपड़ी में आग लगा देने के कारण आग की चपेट में आकर 19 जिंदा बकरियों की मौत हो गई थी। वहीं ओचपुरा झोपड़ी के आदिवासी किसानों के खेत में खड़ी सरसों की फसल बर्बाद कर वन कर्मियों द्वारा आदिवासी महिला पुरुषों के साथ मारपीट की गई थी, जहां उक्त घटना पर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आक्रोश व्यक्त कर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामनिवास रावत के नेतृत्व में वन विभाग की बढ़ती ज्यादती और जुल्म के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कूनो मंडलाधिकारी का घेराव कर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन से पूर्व वीर सावरकर स्टेडियम पर जिले भर के कांग्रेसी और आदिवासी एकत्रित भी हुए। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। देखिए, जब से चीता आए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों ही वनमंडल, कूनो वनमंडल सामान्य, जबरदस्त रूप से ग्रामीणों पर अत्याचार करने लगे। चीता आए, हमें कोई आपत्ति नहीं, स्वागत है, नेशनल पार्क बना, स्वागत है। कोर एरिया और बफर एरिया के विवाद में फॉरेस्ट वाले जब चाहते हैं तब कह देते हैं आप कोर एरिया में हो, जबकि हमने कहा अभी हाल ही में, पिछले महीने मैंने बरसात से पहले पूछ के कि पटाखा बफर जोन में है, वहाँ पशु चराने के लिए रह सकते हैं और रहे भी। कुछ लोग चले आए, कुछ लोग झोंपड़ी बना के बकरी चरा रहे थे। उन बकरी चराने वालों की झोंपड़ी में रेंजर नया आया था, अभिचल त्रिपाठी, उसने आग लगा दी और 19 बकरियों के बच्चे, 19 बकरियां जल गई। इस तरह की घटना या इस तरह की कार्रवाई करना हमें अंग्रेजों के शासन काल की याद दिलाती है, बड़ा अमानवीय कृत्य है। जिस तरह से ये लोग चीड़ गोंद लाना इन्होंने बंद कर दिया है आदिवासियों का, आदिवासियों की पट्टे की जमीनें उन्हें जोत देना बंद कर दिया है। कुसमानी में 100 बीघा सरसों थी, वो किस जमीन पे थी वो सेकेंडरी बात है, लेकिन पककर तैयार थी, काटने को 2-4 दिन में कट जाती। उस जमीन को फॉरेस्ट वालों ने, उस फसल को उजाड़ दिया पूरी तरह से। तो ये बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग थी कि ऐसा अधिकारी जिसने बकरियां जलाई हैं, जिंदा बकरियां जलाना वो भी प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव होना चाहिए था। अगर वो और कोई अपराध कर रहे थे तो बंद कर देते, नियम छुड़ा लेते, उसकी क्रूरता के खिलाफ उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है, बकरियों का मुआवजा देने की मांग की है। और सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य काम, फॉरेस्ट वाले जहाँ से जहाँ पैर रख देते हैं वहीं कोर एरिया और बफर एरिया बता देते हैं। हमारी मांग है कि फॉरेस्ट का और राजस्व का संयुक्त दल बना के और तुरंत सीमा निर्धारण करके उसकी बाउंड्री करा दी जाए। पशु नहीं जानते कि आपकी कोर एरिया कहाँ से है। इस तरह से बर्बरता पूर्वक अत्याचार फॉरेस्ट वाले लोग कर रहे हैं। एक तरफ पैसा एक्टिव बात करते हैं, अभी मुख्यमंत्री, वैसे तो आप कलेक्टर के साथ जा रहे होंगे, कलेक्टर श्योपुर के साथ, और वो अपने पैसा एक्ट के बारे में बता भी रहे होंगे, शायद आपकी जानकारी में हो। मुख्यमंत्री हर जगह भाषण देता है, मैंने जहाँ जहाँ पैसा एक्ट लागू किया है बना के, जल और जंगल जमीन आदिवासियों की है, उन पर आदिवासियों का अधिकार है,